वेलकम टू कंपटीशन गुरु। जैसा कि आप जानते हैं कि कंपटीशन गुरु ने आपके लिए स्टार्ट किया है सॉल्यूशन सीरीज ऑफ एसएससी टीजीटी मैथ्स चंडीगढ़ के जो सॉल्यूशन है उनको, तो दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ दैट वीडियो जिसमें हम सॉल्व कर रहे हैं एसएससी टीजीटी मैथमेटिक्स के सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर 20 क्वेश्चन तक हमने पहले सॉल्व कर लिए थे। नाउ वी आर गोइंग टू 21st क्वेश्चन। तो 21st क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन हमारे पास क्या पूछा गया है कि हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर ऑन द कर्व एक्स स्क्वायर माइनस फोर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन। सो व्हाट इज द कर्व? कर्व आपके पास गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस फोर वाई स्क्वायर इक्वल टू वन। दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ हाई पैराबोला। ठीक है, तो दिस रिप्रेजेंट्स अ हाई पैराबोला एट विच द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू द लाइन एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू जीरो। सो दिस लाइन इज सिमिलर टू एक्स इज इक्वल टू टू वाई। ओके, दिस इज एक्स इज इक्वल टू 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 वाई लाइन। ठीक है, तो इस लाइन के ये जो लाइन है इसके पैरेलल कितने टेंजेंट इस कर्व पर होंगे जो आपके पास गिवन हाई पैराबोला गिवन है। ठीक है, तो ये आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले तो देखेंगे अगर कोई भी हाई पैराबोला आपके पास है, ठीक है, तो इट विल बी ऑफ दिस काइंड। ठीक है, इस तरह का कोई हाई पैराबोला है और इस लाइन को अगर आप नोटिस करेंगे दिस इज एक्स इज इक्वल टू टू वाई लाइन टू वाई, तो दिस विल पास थ्रू ओरिजिन। ठीक है, नॉट थ्रो ओरिजन। अगर ये ओरिजन से पास नहीं भी करती, अगर कोई भी लाइन आप कंसीडर करते हो, ठीक है, तो इसके लाइन इसके पैरेलल एक लाइन यहाँ पर हो सकती है जो इसके टेंजेंट है और दूसरी लाइन जो है इसके यहाँ पर हो सकती है। तो हमेशा दो ही लाइंस पॉसिबल होती है। ठीक है, कोई भी लाइन हो हाइपरबोला के लिए दो ही पॉइंट पे टेंजेंट हो सकती है, तो देयर इज नो डाउट इन दैट। ठीक है, तो अगर यहाँ से भी कोई लाइन पास कर रही होगी तो इसके पैरेलल आपके पास दो पॉसिबल लाइंस हो सकती है जो इसको किसी पॉइंट पे टच कर रही होगी। एक देखिए ये लाइन हो सकती है, दूसरी आपके पास इसके पैरेलल एक और लाइन ले लीजिए। ठीक है, इस लाइन को इसके पैरेलल कंसीडर कर लीजिए। तो दो पॉइंट्स ऐसे हो सकते हैं जहां पे टेंजेंट लाइन पॉसिबल है। आपके पास क्या पूछा था, हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर। ठीक है, इस तरह के कितने पॉइंट्स हैं, तो देयर विल बी एग्जैक्टली टू पॉइंट्स। ठीक है, ऐसे एग्जैक्टली टू पॉइंट्स होंगे। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। 22nd क्वेश्चन इज ए आपके पास एक पॉइंट गिवन है 0.1। ठीक है, 0.1 पॉइंट गिवन है, क्लियर। बी 2.2 पॉइंट गिवन है। ये दो पॉइंट्स है आपके पास और कहां पर पॉइंट्स है, इन द एक्स वाई प्लेन। देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पी ऑन द एक्स एक्सिस सच दैट द लाइन सेगमेंट एपी एंड बीपी मेक्स द सेम एंगल विद नॉर्मल टू द एक्स एक्सिस। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले एक्स वाई एक्सिस देखेंगे, यहाँ पर ये पॉइंट क्या है फिगर से इसको समझेंगे और फिर उसके बाद इजिली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका। एनालिटिकली करेंगे तो इट विल बी मच डिफिकल्ट। ठीक है, तो 0.1 पॉइंट आपके पास कहाँ पे होता है, लेट अस से दिस इज पॉइंट ए 0.1 पॉइंट। फाइन, तो बी पॉइंट 2.2 पॉइंट आपसे पूछा गया है, तो दिस इज वन दिस इज टू लेट अस से दिस इज टू, तो दिस इज 2.2 पॉइंट। ठीक है, तो दिस इज पॉइंट बी हियर। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि देन द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट पी ऑन एक्स एक्सिस। तो आपने एक्स एक्सिस पर एक ऐसा पॉइंट पी लेना है। ठीक है, एक ऐसा पॉइंट पी लेना है एक्स एक्सिस पर जिस पर अगर जिस तक अगर आप लाइन सेगमेंट ड्रॉ करो ए और बी से तो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनेंगे, ठीक है, यहाँ पर कोई भी पॉइंट हो सकता है, नॉट नेसेसरली वन। ठीक है, कोई भी पॉइंट हो सकता है। ठीक है, लेट अस से दिस पॉइंट इज एक्स कॉमा जीरो। ठीक है, एक्स कॉमा जीरो इसी टाइप का होगा। एक्स एक्सिस पर सारे के सारे पॉइंट ऐसे ही दिखेंगे। इस पॉइंट की प्रॉपर्टी क्या है कि इस पॉइंट पर जब ये दोनों के दोनों लाइन सेगमेंट मिलते हैं तो आपके पास दो एंगल्स इक्वल होते हैं। कौन कौन से एंगल इक्वल होते हैं, एक ये वाला एंगल इक्वल रहेगा और ये वाला एंगल एक दूसरे के इक्वल रहेंगे, ये आपको कहा गया है। अच्छा देखिए, अगर ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल हैं तो ऑब्वियस है कि ये वाले एंगल्स भी एक दूसरे के इक्वल ही रहेंगे। ठीक है, क्योंकि 90 में से ही इनका डिफरेंस करना है। 90 में से अगर आप सेम चीज का डिफरेंस लेते हो तो दैट विल बी इक्वल टू द सेम नंबर। ठीक है, तो ये एंगल भी कंजर्व रहेंगे। अब देखिए हमारे पास दो ट्राइंगल्स को हम कंसीडर करेंगे। एक तो आप ए जीरो और इस पॉइंट पी को कंसीडर कर लीजिए। तो एक ट्राइंगल आपने ली ए ओ पी। ठीक है, एक ट्राइंगल ए ओ पी आपने ली। दूसरी ट्राइंगल आप इसको ले लीजिए 2.0 पर जो मिल रही है ये वाली ट्राइंगल, इस पॉइंट को आप नाम दे दीजिए ए बी सी। ठीक है, तो बी पी सी इस ट्राइंगल का नाम ले लीजिए। ठीक है, बी पी सी। अगर आप इन दोनों ट्राइंगल को देखेंगे, ठीक है, तो ये सिमिलर ट्राइंगल्स है। क्यों सिमिलर ट्राइंगल्स है, क्योंकि इनमें ये दोनों एंगल्स इक्वल है और 90 डिग्री एंगल इक्वल है। तो दो एंगल अगर एक ट्राइंगल में कॉमन आ जाते हैं तो वो दोनों है सिमिलर ट्राइंगल्स होती है। ठीक है, अगर सिमिलर ट्राइंगल्स है तो कॉरेस्पॉन्डिंग रेशियोज भी इक्वल रहेंगे। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग रेशियोज इक्वल रहेंगे। ठीक है, तो क्या होगा आपके पास, वैसे भी देखिए अगर इसका भी यूज नहीं करें तो ये एंगल तो इक्वल है ही है। ठीक है, तो टेंजेंट ऑफ दीज एंगल्स विल आल्सो बी इक्वल। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू थीटा। इसको थीटा वन कह लीजिए, इसको थीटा टू कह लीजिए, क्योंकि आपके पास थीटा वन और थीटा टू इक्वल है। तो टेंजेंट ऑफ थीटा वन जो होगा
वो टेंजेंट ऑफ थीटा टू के इक्वल आ जाएगा फाइन। अब टेंजेंट ऑफ थीटा वन कैसे फाइंड करेंगे आप, ए ओ ओवर ओ पी, ठीक है। इसका क्या मीनिंग हुआ, ए ओ डिवाइडेड बाई ओ पी जो होगा वो आपके पास कितना आएगा, टेंजेंट ऑफ थीटा टू, दैट इज बी सी अपॉन पी सी, ठीक है, दैट इज बी सी अपॉन पी सी। अब देखिए x कॉमा जीरो पॉइंट है ये, तो ये जो डिस्टेंस रहा होगा, ठीक है, पॉइंट क्योंकि x कॉमा जीरो है ये, तो ये ओ पी जो डिस्टेंस है दैट विल बी x, ठीक है, तो ये डिस्टेंस x रहा होगा। ए ओ डिस्टेंस आपके पास क्योंकि वन कॉमा जीरो पॉइंट है ये, ठीक है, वन कॉमा जीरो जीरो कॉमा वन पॉइंट गिवन है, सॉरी, ठीक है, जीरो कॉमा वन पॉइंट है, तो ये जो डिस्टेंस होगा ऑफकोर्स ये डिस्टेंस वन रहेगा, तो वन ओवर एक्स आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा। अब बी सी को देखिए, ठीक है, दिस इज अ पॉइंट बी, दिस इज सी। अब आपके पास क्योंकि ये टू कॉमा टू पॉइंट है, तो सेकंड पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो डिस्टेंस आपके पास यहाँ तक का है दैट इज टू, तो ये डिस्टेंस भी टू ही रहेगा, ठीक है, तो बी सी आपके पास यहाँ पे टू आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से पी सी आपके पास क्या है, देखिए ये पूरा का पूरा डिस्टेंस टू है क्योंकि इस पॉइंट को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, और यहाँ तक का डिस्टेंस एक्स है, तो ये जो डिस्टेंस बचेगा दैट विल बी टू माइनस एक्स, ठीक है, तो ये टू माइनस एक्स डिस्टेंस होगा। तो यहाँ से आप सिंपली एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, अगर एक्स की वैल्यू आ गई तो ये पॉइंट भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, देखिए टू माइनस एक्स इज इक्वल टू टू एक्स, ठीक है, ये आपके पास आएगा टू माइनस एक्स इज इक्वल टू टू एक्स, ठीक है। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, देखिए एक्स आपके पास राइट हैंड साइड में जाएगा, तो टू इज इक्वल टू थ्री एक्स, सिंपली एक्स आपके पास टू बाय थ्री आ जाता है, ठीक है, x आपके पास 2 बाय 3 आ जाता है, ठीक है। तो आपके पास ये जो पॉइंट होगा P, जो आपने x कॉमा जीरो माना था, क्योंकि x की वैल्यू 2 बाय 3 है, तो दिस पॉइंट विल नेसेसरली बी 2 बाय 3 कॉमा जीरो, ठीक है। तो ऑफकोर्स आपके पास ऑप्शन थर्ड, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर एच कॉमा के फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन से फुट ऑफ परपेंडिकुलर आपको फाइंड करना है, कहाँ पे, ऑन दिस प्लेन, ठीक है, इस प्लेन पर कौन सा जो है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर होगा ओरिजिन से, ठीक है। तो देखिए एक प्लेन, एक एक्स वाई प्लेन आपके पास गिवन है, एक्स वाई जेड स्पेस ले लीजिए, ठीक है, एक्स वाई और जेड, ठीक है, और एक प्लेन आपके पास है, लेट अस से दिस इज द रिक्वायर्ड प्लेन, जो आपके पास इक्वेशन जिसकी गिवन है, दिस इज द प्लेन। अब आपको बोला है कि ओरिजिन से जब आप इस प्लेन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो एच कॉमा के है, ठीक है, वो एच कॉमा के इनमें से क्या हो सकता है, क्या वो 3.4 होगा, या 3.25 होगा, 4.24 होगा, या -4, -3, -4 होगा। तो सबसे पहली कंडीशन तो क्या है कि ये जो पॉइंट है, ऑफ कोर्स दिस पॉइंट शुड लाई ऑन द प्लेन, ठीक है, ये जो पॉइंट होगा ये प्लेन पर लाई करना चाहिए। अब क्योंकि ये पॉइंट प्लेन पर लाई करना चाहिए तो प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है, तो एच कॉमा के इनमें से कौन सा होगा, अगर ये एच कॉमा के होगा पॉइंट, तो जब आप प्लेन की इक्वेशन में इसको रखेंगे तो ये सेटिस्फाई होने चाहिए। देखिए चेक किसको करेंगे, अगर आप 3 × 3 + 4 × 4 करते हैं, क्या ये आपके पास 25 के इक्वल है, यस, ये आपके पास आ जाएगा 9 + 16 = 25 इसका मतलब फर्स्ट पॉइंट ने सेटिस्फाई किया तो ये आपके पास करेक्ट हो सकता है, ठीक है, सिर्फ इसके ऊपर लाई करने से करेक्ट नहीं होगा, लेकिन हो सकता है, पॉसिबिलिटी बन जाती है। सेकंड पॉइंट को देखेंगे, ठीक है, सेकंड पॉइंट को जब देखेंगे तो सेकंड पॉइंट क्या है, 3 × 3 आपको करना पड़ेगा + 4 × 25, ठीक है, ये कभी भी आपके पास 25 के इक्वल नहीं आ पाएगा, ठीक है, तो सेकंड के ट्रू होने की तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है, ठीक है। इसी तरह से थर्ड पॉइंट को देखेंगे, थर्ड पॉइंट आपके पास क्या है, 4.25, क्या 4.25 इसी क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेगा, नहीं कर पाएगा, ठीक है, और ये भी पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, इस तरह से आप देख सकते हैं, क्योंकि ये नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव के इक्वल कभी नहीं हो सकता, ठीक है। तो आपके पास क्योंकि ए ही पॉसिबल ट्रू ऑप्शन आपका हो सकता है, और सारे के सारे डिस्कार्ड हो गए, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप ऑप्शन डिस्कार्ड करके इसको टिक कर सकते हैं, अदरवाइज इसको सॉल्व करने के लिए जो मेथड है उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अगर मेथड से इसको सॉल्व करना होगा तो क्या करेंगे, देखिए अगर कोई भी प्लेन है तो इसके जो कोफिशिएंट होते हैं 3 और 4, ये डायरेक्शन रेशोस बन जाती है, ठीक है। अगर ये प्लेन है तो इसमें 0z भी आएगा, ठीक है, तो डायरेक्शन रेशोस यहाँ पे क्या है, अगर आप इसके प्लेन जो है इसके परपेंडिकुलर कोई भी लाइन लगाते हो तो उसकी जो डायरेक्शन रेशोस आएंगी दैट विल बी 3, 4 और 0, ठीक है, ये उसकी डायरेक्शन रेशोस होंगी। और जिस पॉइंट से ये पास करते हैं, जिस पॉइंट से ये पास करते हैं उस पॉइंट को आप ऐसे लिखते हो x - something y - something z - something, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। अब ये जो लाइन आपके पास है ये 0.0.0 ओरिजिन से पास करनी चाहिए, क्योंकि ओरिजिन से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो x ओवर 3 y ओवर 3, क्योंकि x माइनस 0 इज x इटसेल्फ, ठीक है, तो ये आपके पास इक्वेशन ऑफ द लाइन बन जाएगी, किस लाइन की, इस लाइन की इक्वेशन बन जाएगी विद सम पैरामीटर लैम्डा, ठीक है। अब
जैसे जैसे लैम्डा पैरामीटर वेरी होगा, इस लाइन के सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं, इस लाइन के सारे पॉइंट्स जो हैं वो वेरी करेंगे, ठीक है। लेकिन एक ऐसा पॉइंट भी आना चाहिए जो इस प्लेन को सेटिस्फाई करना चाहिए। अब इसके जो पॉइंट्स है वो किस तरह देखेंगे, दिखेंगे, देखिए, एक्स इज इक्वल टू 3 लैम्डा, वाई इज इक्वल टू 4 लैम्डा एंड जेड इज इक्वल टू 0 लैम्डा, ठीक है। तो जेड हमेशा 0 ही रहेगा, तो एक्स और वाई की जो वैल्यू है वो अब इस पर कब होगी, ठीक है, इस प्लेन पर कब होगी, जब वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो एक्स और वाई की वैल्यूज आप वहां पे पुट कर देंगे। तो आपके पास क्या आता है, देखिए, 3 × 3 लैम्डा प्लस 4 × 4 लैम्डा इज इक्वल टू 25। यहां से आप देख सकते हैं कि लैम्डा आपके पास 1 आ जाएगा, ठीक है, लैम्डा की वैल्यू 1 आ जाएगी। लैम्डा की वैल्यू 1 आने का मतलब क्या है कि एक्स की वैल्यू 3 आ जाएगी और वाई की वैल्यू 4 आ जाएगी, ठीक है, तो और जेड की वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है। तो आपके पास जो पॉइंट है, ठीक है, ये जो पॉइंट यहाँ पर इस प्लेन पर है वो कौन सा पॉइंट आपके पास आ जाएगा, ठीक है, वो जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर आपके पास आ जाएगा वो एच कॉमा की आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3,4। इस तरह से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, मेथड से भी अगर सॉल्व करना हो, डिस्कार्ड करके भी ऑप्शन इसके टिक किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, द लाइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4 डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग दिस एंड दिस इन विच रेशियो, ठीक है, कौन से रेशियो में जो है ये लाइन, ठीक है, मान लीजिए ये पॉइंट है -1,1, ये पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है 5,7, ठीक है, इस पॉइंट को ए बोल दीजिए, इसको बी बोल दीजिए, इसको लाइन करने वाला, ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है उसको, ये जो गिवन लाइन है, ठीक है, लेट अस से दिस लाइन इज एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है, ये जो लाइन है ये किस रेशियो में डिवाइड करती है, ठीक है। अब ये जो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4 लाइन है, इस पर आपके पास होता क्या है कि जो आपके पास जो वाई होता है दैट इज ऑलवेज 4 - x, ठीक है, क्योंकि एक्स को अगर आप उधर ले जाओ तो वाई इज इक्वल टू 4 - x, ठीक है। तो यहाँ पर जो पॉइंट होगा उस पॉइंट को मान लीजिए, ठीक है, अगर आप एक्स को ए मानते हो, ठीक है, एक्स को अगर ए मानते हो तो वाई कितना जाएगा, 4 - a, ठीक है, 4 - a, तो लेट अस से दिस पॉइंट इज ए कॉमा 4 - a। अब आपके पास क्या है, सेक्शन फॉर्मूला कहता है, सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है कि जो पॉइंट यहाँ पे जो पॉइंट होता है ए कॉमा बी, ठीक है, तो ये जो ए कॉमा 4 - a आएगा ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, m1x2 + m2x1 डिवाइड बाय m1 + m2। लेकिन रेशो आप यहाँ पे क्या लेंगे, k:1 आप रेशो यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो m1 ये आ गया, m2 ये आपके पास ये आ जाएगा, तो m1 k है, m2 आपके पास 5 आ जाएगा, ठीक है, और 1 - -1/k+1, ठीक है, कॉमा करके आपको क्या करना पड़ेगा, कॉमा मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, ठीक है, m1 y2 k times y2 आपके पास कितना है 7 +1 times y1 आपके पास कितना है 1/k+1। तो ये आपके पास इक्वेशन बन जाती है सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके, और ये आपके पास क्या इंप्लाई करती है कि a आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, a आपके पास आ जाएगा 5k - 1/k+1, ठीक है, और 4 - a को अगर कंपेयर करेंगे तो 4 - a आपके पास आ जाएगा 7k + 1/k+1, ठीक है। अब a की वैल्यू आपके पास यहाँ से मिल गई, ठीक है, अब यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, सेकेंड इक्वेशन से आप लिख सकते हैं कि 4 = 7k + 1/k+1 + a, इस तरह से आप लिख पाएंगे, ठीक है। अगर आप ये लिखते हैं तो ए की वैल्यू आप वहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है, ए की वैल्यू आप वहां पे इजीली सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आपके पास क्या मिल जाएगा, 4 = 7k + 1 और प्लस ए आपको करना है, ठीक है, प्लस ए आपको करना है, ए क्या है आपके पास 5k - 1, ठीक है, 5k - 1, एलसीएम दोनों का सेम आ जाएगा, तो k+1, सिंपली यहाँ से 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 7 + 5 = 12, तो आपको क्या मिला, 12k = 4 times k+1, ठीक है, यहाँ से आपको k की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, k की वैल्यू अगर मिल गई तो रेशियो मिल जाएगी, ठीक है। तो व्हाट यू गेट इज 4k + 4 = 12k, ठीक है, और इसको आप फर्दर कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ से आपके पास क्या आ जाता है, k = 1/2, आप देख सकते हैं k की वैल्यू 1/2 आपके पास आ जाएगी, ठीक है। अगर k की वैल्यू 1/2 है, आपने रेशो k:1 मानी थी, तो रेशो आपके पास आ जाएगी 1/2:1, ठीक है, 1/2:1। अब इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशो आपकी बन जाएगी 1:2, ठीक है, तो 1:2 आपकी रेशो होगी, और इंटरनल डिवीजन है क्योंकि k की वैल्यू जो है पॉजिटिव आपके पास आ रही है और आपने इंटरनल डिवीजन वाला सेक्शन फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया था, ठीक है, तो 1:2 आपकी रेशो आएगी और इंटरनल डिवीजन होगी, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्लियर। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपको क्या फाइंड करना है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन सर्कल्स x - y, सॉरी x - 1 स्क्वायर + y + 2 स्क्वायर = 1
एंड एक्स प्लस टू स्क्वेयर प्लस वाई माइनस टू स्क्वेयर इज इक्वल टू फोर। ठीक है, तो आपके पास दो सर्कल गिवन है। फर्स्ट सर्कल को अगर आप देखेंगे तो एक ऐसा सर्कल है जिसका जो सेंटर है दैट इज एट पॉइंट वन कॉमा माइनस टू। ठीक है, वन कॉमा माइनस टू पर इसका सेंटर है। सेंटर कहाँ पे होता है? माइनस के बाद जो नंबर होता है, माइनस के बाद वन है, यहाँ पर माइनस के बाद माइनस टू है। ठीक है, माइनस माइनस तब प्लस हुआ है। ठीक है, तो वन कॉमा माइनस टू इसका सेंटर है। ठीक है, और रेडियस इसकी वन है। ठीक है, रेडियस वन है। ठीक है, और जो दूसरा सर्कल आपके पास है उसका जो सेंटर है दैट इज एट माइनस टू कॉमा टू। ठीक है, और रेडियस उसकी क्या है? जिसका यहाँ पे स्क्वेयर होता है। ठीक है, दिस इज वन स्क्वेयर, दिस इज टू स्क्वेयर। ठीक है, सर्कल की जो जनरल इक्वेशन है दैट इज एक्स माइनस एच स्क्वेयर प्लस वाई माइनस के स्क्वेयर इज इक्वल टू रेडियस स्क्वेयर। तो रेडियस स्क्वेयर यहाँ पे फोर है, तो रेडियस आपके पास टू आ जाएगी, तो टू इसकी रेडियस है। तो ये दो सर्कल्स गिवन है। अब इनको देखिए ग्राफिकली अगर प्लॉट करके देखेंगे तो आपको इसका जो आइडिया है वो लग जाएगा। ठीक है, देखिए फर्स्ट सर्कल आपके पास क्या है? वन कॉमा माइनस टू पे उसका सेंटर है, तो दिस इज वन, माइनस टू आपके पास यहाँ जैसे आएगा तो दिस इज द सेंटर एंड रेडियस वन इसकी आएगी। तो दिस इज द रिक्वायर्ड सर्कल, फर्स्ट सर्कल इज दिस वन। ठीक है, सेकेंड सर्कल आपके पास क्या है? एक ऐसा सर्कल जिसकी जो सेंटर है वो माइनस टू कॉमा टू पर है। ठीक है, तो माइनस टू आपके पास यहाँ पर आएगा और टू प्लस का आपके पास यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर सेंटर है, रेडियस इसकी टू है, रेडियस इसकी अगर टू है तो इस तरह से आपके पास यहाँ पर सर्कल बनेगा। अब इनके बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस होगा वो इसी लाइन के अलोंग आएगा, इसी लाइन के अलोंग आएगा, और ये जो ये वाला डिस्टेंस होगा आपके पास, दिस डिस्टेंस विल बी मिनिमम डिस्टेंस। ठीक है, बाकी सारे के सारे डिस्टेंसेज इस डिस्टेंस से बड़े हैं। देखिए इनके बीच में जो बाकी के डिस्टेंसेज है वो इस डिस्टेंस से बड़े हैं, तो ये डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। ठीक है, इस लाइन की लेंथ कितनी है ये आपको फाइंड करना है। अब देखिए आप क्या करेंगे, सेंटर के बीच में डिस्टेंस फाइंड कर लीजिए, सेंटर के बीच में डिस्टेंस फाइंड कर लीजिए उनमें से। ठीक है, सेंटर के बीच में डिस्टेंस देख लीजिए, मान लीजिए सी वन है, ये सी टू है, तो C1 C2 पहले फाइंड कर लेंगे सेंटर के बीच का डिस्टेंस, उसमें से इसकी रेडियस को और इसकी रेडियस को अगर आप माइनस कर देंगे तो ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा, तो माइनस आर वन माइनस आर टू ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर आएगा। तो सेंटर के बीच का डिस्टेंस क्या आएगा? सेंटर आपके पास क्या है? माइनस टू कॉमा टू और वन कॉमा माइनस टू, तो माइनस टू माइनस टू करेंगे तो नाइन। ठीक है, स्क्वेयर करके, और टू प्लस टू अगर आप करेंगे, ठीक है, टू प्लस टू अगर करेंगे तो फोर। ठीक है, दैट इज 16 अंडर रूट, ये आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा। तो सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो 5 आ जाएगा, फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट कर सकते हैं। और आपके पास रेडियाई जो है वो क्या क्या है? एक की रेडियस 1 है, ठीक है, एक की रेडियस 1 है, दूसरे की 2 है, तो आपका जो आंसर आ जाएगा दैट इज 5 माइनस 1 माइनस 2। ठीक है, 5 माइनस 1 माइनस 2, तो दिस इज सिंपली 2। ठीक है, तो इनके सर्कल्स के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस है वो आपके पास 2 आ जाएगा, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट यू हैव टू फाइंड इज द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ इलिप्स दिस वन। ठीक है, देखिए इलिप्स की जो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होती है, आपके आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, दैट इज 2b स्क्वायर अपॉन a। ठीक है, 2b स्क्वायर अपॉन a, जहां पे a क्या होता है? मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ, और b होती है सेमी माइनर एक्सिस की लेंथ। ठीक है, तो इस इलिप्स को पहले देखेंगे कि ये किस तरह का इलिप्स आपके पास है। ठीक है, 400 से डिवाइड करेंगे तो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी। 400 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वेयर ओवर 400 ओवर 16, ठीक है, प्लस वाई स्क्वेयर ओवर 400 ओवर 25। इस 16 और 25 को डिवाइड में ले जाएंगे, दैट इज इक्वल टू 1। तो आप देखेंगे इनमें से कौन सा नंबर ग्रेटर है, जो नंबर ग्रेटर होगा उसको ए बोलेंगे, दूसरे को बी कहेंगे, बिकॉज ऑलवेज ए ग्रेटर देन बी होता है। ठीक है, ये आपके पास बी से ग्रेटर होता है। ठीक है, तो जिसका डिनोमिनेटर कम है वो बड़ा होगा, तो ए स्क्वेयर आपके पास क्या आएगा? 400 ओवर 16। ठीक है, और बी स्क्वेयर आपके पास कितना आ जाएगा? 400 ओवर 25। ठीक है, तो बी आपके पास कितना जाएगा? बी आपके पास होगा स्क्वेयर रूट ऑफ दिस, 400 का स्क्वेयर रूट इज 20, 25 का स्क्वेयर रूट इज 5। ठीक है, तो दिस इज 4 सिंपली। ठीक है, तो बी आपके पास 4 आपके पास आ जा रहा है, तो लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम जो होगी दैट इज 2b स्क्वेयर अपॉन ए। ठीक है, 2b स्क्वेयर अपॉन ए, तो ए भी यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, ए इज सिंपली 400 का स्क्वायर रूट इज 20 अपॉन 4। ठीक है, दैट इज 5, ए आपके पास 5 आ जा रहा है। ठीक है, तो देखिए एल आपके पास कितना आएगा? 2 टाइम्स बी स्क्वायर, बी स्क्वायर कितना है? 400 ओवर 25 अपॉन ए आपको करना है, ए इज 5। ठीक है, ए आपके पास कितना है? 5, तो इसका देखिए 5 8 40 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, 5 8 40, और आपके पास जो आंसर यहाँ पे आ रहा है दैट इज 160 ओवर 25। 5 से इसको अगर आप कैंसिल करेंगे तो आप 5 से इसको कैंसिल करके कितना आएगा? 5 5 25, 5 8 80, तो दिस इज 80 ओवर 5। ठीक है, 80 ओवर 5, इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं।
ठीक है। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। इसको देखिए कैंसिल करके क्या आएगा, 160 ओवर 125 था, कैंसिल आप अच्छे से अगर करेंगे तो दिस इज 160 ओवर 25, ठीक है। 160 ओवर 25, 5 से कैंसिल करेंगे तो दिस विल बी 32 अपॉन 5, ठीक है, 32 अपॉन 5। तो आपका जो आंसर आ जाएगा दैट विल बी ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। 32 अपॉन 5 आपका जो है लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम कैलकुलेट करके आ जाएगी। सिंपली द फॉर्मूला इज 2 बी स्क्वायर अपॉन ए। इसको देख के आपने डिसाइड करना था कि बी स्क्वायर क्या है और ए स्क्वायर क्या है, ठीक है। ए आप ग्रेटर वैल्यू को लेते हो और बी लेस वाली वैल्यू को लेते हो, ठीक है। तो ये जो है किस तरह का एलिप्स है, दिस इज सिंपली ट्रांसवर्सल एलिप्स, ठीक है, जिसका एक्सिस एक्स एक्सिस है। देखिए आपसे क्या पूछा गया है, इफ एक्स इज द स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल देन द वेरियंस, ठीक है, देन द वेरियंस ऑफ एक्स क्या होगी, ठीक है। स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल हो अगर तो उसकी जो वेरियंस है वो कितनी होती है, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल जो होता है उसकी जो वेरियंस होती है वो कॉन्स्टेंट होती है, ठीक है। तो जो स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल होता है उस केस में जो मीन होता है, ध्यान रखेंगे स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल में मीन जीरो होता है और वेरियंस आपके पास वन आता है, डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। तो स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल के केस में जो वेरियंस होती है वो वन होती है, इसलिए आपका ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, द एक्सपेक्टेशन ऑफ द नंबर ऑन अ डाइस व्हेन व्हेन थ्रोन, ठीक है, इस देखिए अगर आप किसी भी डाइस को थ्रो करते हैं तो आपके पास क्या नंबर आ सकता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है ये नहीं पूछा गया है कि क्या नंबर आ सकता है, व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन। तो मैथमेटिकली जो आप एक्सपेक्टेशन को डिफाइन करते हैं, ई ऑफ एक्स जो आप डिफाइन करते हो, ठीक है, वो आपके पास क्या होता है, दैट इज समीशन एक्स टाइम्स पी ऑफ एक्स, ठीक है, एक्स आई टाइम पी ऑफ एक्स आई वेरियस फ्रॉम आई टू एन, जितने भी आपके पास पॉसिबिलिटीज है वो वाई। तो यहाँ पे जो रैंडम वेरिएबल है वो क्या हो जाएगा कि आपके पास जो डाइस है उस पर कौन सा नंबर आ रहा होगा, ये रैंडम वेरिएबल होगा। तो डाइस पर आपके पास क्या क्या नंबर आ सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है। तो एक्स आपके पास ये आ गया। अब डाइस पर अगर आप देखेंगे तो किसी भी नंबर के आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो सेम रहेगी हर एक केस में, तो हर एक नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 आपके पास होगी, ठीक है। तो आपके पास प्रोबेबिलिटी का जो टेबल बन गया बनेगा, दैट इज 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, ठीक है। और आपके पास जो एक्सपेक्टेशन आपके पास आती है वो आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए एक्स आई इंटू पी ऑफ एक्स आई, मतलब रिस्पेक्टिव रैंडम नंबर से प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कीजिए, सभी को मल्टीप्लाई कीजिए और उनको ऐड कीजिए, तब आपका आंसर आ रहा होगा, ठीक है। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, मतलब किसके नंबर के आने की जो एक्सपेक्टेशन है वो आपको मिलेगी, पता कैसे चलेगा, 1 × 1/6 + 2 × 1/6, ठीक है, + 3 × 1/6, ठीक है। इसी तरह से आपको 6 तक ऐसा ही करना पड़ेगा, इस तरह से इनको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो 1/6 आप देखेंगे कॉमन आ जाएगा, व्हाट यू विल बी गेटिंग इज 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, ठीक है, ये आपको मिल रहा होगा, ठीक है। अब ये किसके इक्वल होता है, 1 से लेके 6 तक अगर आप ऐड करेंगे तो आपके पास कितना जाएगा, देखिए, ठीक है, ये आपके पास कितना आएगा, दिस इज 6 × 7/2, ठीक है, तो दिस इज 21, ठीक है। तो योर आंसर विल बी 21/6, ठीक है, 21/6 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, इन सभी को ऐड करेंगे तो 21 आएगा, 21/6 आपका आंसर होगा। तो दिस इज 6 × 3 = 18, ठीक है। अब आपके पास 3 बचता है आपके पास, ठीक है, तो 6 × 5 = 30, तो 3.5 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि 3.5 आने की आप एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, यू कैन एक्सपेक्ट दैट 3.5 आएगा जब आप एक डाइस को थ्रो करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपको क्या पूछा गया है, इफ एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट पॉइजन वेरिएबल्स, ठीक है, एक्स और वाई क्या है, इंडिपेंडेंट पॉइजन वेरिएबल्स है और प्रोबेबिलिटी ऑफ वन और प्रोबेबिलिटी ऑफ टू आपको इक्वल गिवन है, ठीक है। इसी तरह से वाई दूसरा रैंडम वेरिएबल है और उसमें आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ टू और प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्री इक्वल गिवन है और वेरियंस ऑफ एक्स माइनस टू वाई आपसे पूछा गया है कि एक्स माइनस टू वाई की जो वेरियंस है वो कितनी होगी, ये आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले देखिए पॉइसन वेरिएबल के लिए, जब पॉइसन वेरिएबल होता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू आर किसके इक्वल होता है, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू आर, जब आर आपके पास 0, 1, 2, 3, 4 समथिंग हो तो ये जो आपके पास होता है दिस इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर लैम्डा, लैम्डा रेस्ट पावर आर ओवर आर फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये आपके पास फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 फाइंड करने के लिए आर की जगह पे 1 पुट करना पड़ेगा और 2 के लिए 2 पुट करना पड़ेगा। तो ये जो रिलेशन है इसको आप किस तरह से लिख सकते हैं, इस रिलेशन को आप कन्वर्ट कर सकते हैं किस तरह से, एक्सपोनेंशियल ऑफ लैम्डा, ठीक है, लैम्डा आपके पास नहीं गिवन है, लैम्डा आपके पास मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि मीन कितना आएगा, ठीक है, लैम्डा रेस्ट पावर आर, ठीक है।
तो जब आपके पास आर वन है तो यहाँ पर वन पुट करेंगे डिवाइड बाय वन फैक्टोरियल, और ये किसके इक्वल गिवन है, ई रेस्ट पावर लैम्डा, लैम्डा रेस्ट पावर आर, ठीक है, लैम्डा रेस्ट पावर आर, अब आपके पास टू हो जाएगा ये, और डिवाइडेड बाय टू फैक्टोरियल। आप देखेंगे कि ई रेस्ट पावर लैम्डा से ई रेस्ट पावर लैम्डा कैंसिल कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या बचता है, लैम्डा की पावर वन इज लैम्डा, ठीक है, इज लैम्डा स्क्वेयर बाय टू, ये आपको मिल जाएगा, ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वेयर बाय टू आपको मिला, तो व्हाट यू गेट इज लैम्डा स्क्वेयर माइनस टू लैम्डा इज इक्वल टू जीरो, ये आपको मिलता है। लैम्डा आप कॉमन ले सकते हैं, लैम्डा माइनस टू आपके पास आ जाएगा, तो लैम्डा की दो पॉसिबल वैल्यूज है, लैम्डा इज इक्वल टू जीरो और लैम्डा इज इक्वल टू टू, ठीक है, ये पॉसिबिलिटीज आपके पास लैम्डा के लिए मिल जाती है, ठीक है, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर। तो यहाँ से लैम्डा की पॉजिटिव वैल्यू आप चूज करेंगे, तो लैम्डा इज इक्वल टू टू आप यहाँ से चूज कर लेंगे, ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू टू आप यहाँ से चूज कर सकते हैं, क्लियर। ये आपने लैम्डा किसके लिए निकाला, एक्स के लिए, ठीक है, एक्स आपके पास जो रैंडम वेरिएबल है, ठीक है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो लैम्डा आपने निकाला, जो मीन आपने निकाला, दैट इज टू, ठीक है। इसी तरह से वाई के लिए भी आप इसी तरह से निकाल सकते हैं, वाई के लिए आपके पास क्या गिवन है कि पी ऑफ टू, ठीक है, पी ऑफ टू में इसको सिंपली लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू पी ऑफ थ्री, पी ऑफ टू आपके पास क्या आएगा, अगर वहाँ पे जो लैम्डा है मतलब मीन है, अगर आप उसको एक्स के मीन को लैम्डा से और वाई के मीन को लैम्डा डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, पी ऑफ टू को आप लिख सकते हैं, क्या आएगा आपके पास, ई रिस्ट पावर लैम्डा डैश, ठीक है, लैम्डा रिस्ट पावर आर, अब यहाँ पे लैम्डा डैश रिस्ट पावर आर आपको करना पड़ेगा टू डिवाइड बाय टू फैक्टोरियल, ये किसके इक्वल है, पी ऑफ थ्री के इक्वल, तो ई रिस्ट पावर लैम्डा डैश अगेन, ठीक है, लैम्डा डैश रेस्ट पावर थ्री ओवर थ्री फैक्टोरियल, अगेन ई रेस्ट पावर लैम्डा डैश से ई रेस्ट पावर लैम्डा डैश कैंसिल हो जाता है, व्हाट यू फाइनली गेट इज लैम्डा डैश स्क्वेयर ओवर टू इज इक्वल टू लैम्डा डैश क्यूब ओवर सिक्स, ठीक है, थ्री फैक्टोरियल इज सिक्स, यहाँ से आप लैम्डा डैश की जो वैल्यू है वो फाइंड कर सकते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे तो सिंपली इससे कैंसिल भी कर सकते हैं, दिस इज थ्री, तो आपके पास क्या आएगा, थ्री लैम्डा डैश स्क्वेयर, ठीक है, माइनस लैम्डा डैश क्यूब इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, तो आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा, लैम्डा डैश क्यूब, लैम्डा डैश स्क्वेयर को कॉमन ले लेंगे, ठीक है, और यहाँ से आपको क्या मिलेगा, थ्री माइनस लैम्डा डैश, ठीक है, तो लैम्डा डैश की वैल्यू या तो जीरो हो सकती है या तो लैम्डा डैश की वैल्यू थ्री हो सकती है, ठीक है, तो लैम्डा डैश की पॉजिटिव वैल्यू चूज करेंगे, अगेन पॉजिटिव वैल्यू चूज करेंगे, ठीक है, तो लैम्डा डैश इज इक्वल टू थ्री आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, तो लैम्डा और लैम्डा डैश आप यहाँ पे निकाल चुके हो, ठीक है। इसी तरह से आपको क्या निकालना है, वेरिएंस, ठीक है, अगर लैम्डा आपके पास गिवन है तो वेरिएंस भी कैलकुलेट करेंगे, और वेरिएंस जब आ जाएगी तो इसकी भी वेरिएंस आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, तो लैम्डा और लैम्डा डैश आप कैलकुलेट कर चुके हो, ठीक है, और वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो लैम्डा आपके पास क्या है, लैम्डा एंड लैम्डा डैश आपके पास मीन है एक्स और एक्स डैश रैंडम वेरिएबल के लिए। आप जानते हैं कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है उसमें मीन और वेरिएंस दोनों इक्वल होते हैं, तो जितना आपके पास लैम्डा है, ठीक है, लैम्डा आपके पास क्या है, एक्स का जो रैंडम वेरिएबल एक्स है उसका मीन, ठीक है, वेरिएंस भी इसी के इक्वल आ जाएगी, तो वेरिएंस इज अगेन लैम्डा जो आपके पास था, लैम्डा आपके पास टू कैलकुलेट कर चुके हो, तो एक्स की जो वेरिएंस आएगी, ठीक है, वेरिएंस ऑफ एक्स आपके पास टू है, इसी तरह से वेरिएंस ऑफ द रैंडम वेरिएबल वाई जो है लैम्डा डैश के इक्वल आ जाएगी, लैम्डा डैश आपने थ्री कैलकुलेट किया तो दैट इज थ्री, ठीक है। अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आपको क्या यहाँ पे करना है, ठीक है, मैं इसको रब कर देता हूँ, व्हाट यू हैव टू फाइंड इज द वेरिएंस ऑफ एक्स माइनस टू वाई, ठीक है, एक्स माइनस टू वाई की आपको वेरिएंस फाइंड करनी है, वेरिएंस ऑफ एक्स और वेरिएंस ऑफ वाई आपको पहले से कैलकुलेट कर चुके हो आप, ठीक है, तो इसको करने के लिए फॉर्मूला का यूज करेंगे, फॉर्मूला जो इस आपके पास रिजल्ट है, एक रिलेशन है उसका यहाँ पे यूज करेंगे, क्लियर। तो रिलेशन इज, रिलेशन आपके पास है कि जो वेरिएंस ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई होती है, ठीक है, जहाँ पे एक्स और वाई रैंडम वेरिएबल है, दैट इज ए स्क्वेयर टाइम, ठीक है, जो यहाँ पे कॉफिशेंट होता है वो स्क्वेयर होके कॉमन आता है, वेरिएंस ऑफ एक्स, ठीक है, प्लस बी स्क्वेयर टाइम्स वेरिएंस ऑफ वाई आपके पास आ जाता है, ठीक है, यहाँ पर कैपिटल एक्स कैपिटल वाई आप लिख सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है, देखिए वेरिएंस ऑफ एक्स माइनस टू वाई, ठीक है, एक्स माइनस टू वाई, तो ये किसके इक्वल आ जाएगी, यहाँ पे कोफिशिएंट वन है तो वन का स्क्वेयर टाइम वेरिएंस ऑफ एक्स, ठीक है, और यहाँ पर कोफिशिएंट माइनस टू है तो माइनस टू का स्क्वेयर टाइम्स वेरियंस ऑफ वाई, ठीक है, तो वेरियंस ऑफ एक्स टू है और वेरियंस ऑफ वाई थ्री है, ठीक है, तो दिस इज सिंपली टू प्लस
फोर टाइम्स वाई, ठीक है, थ्री, तो दिस इज टू प्लस ट्वेल्व, तो आपके पास वेरियंस यहाँ पे आ जाएगी, दैट विल बी 14, ठीक है, वेरियंस जो है 14 आ जाएगी एक्स माइनस टू वाई रैंडम वेरिएबल की, तो आपके पास सिंपली ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें मीन और वेरियंस सेम होते हैं। मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं, ई रेस्ट पावर लैम्डा जो फॉर्मूला होता है उसमें लैम्डा को मीन कहते हैं। इन दोनों रिलेशन से इसका यूज करके हमने एक्स का मीन निकाल लिया और इसका यूज करके हमने वाई का मीन फाइंड कर लिया, ठीक है, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूछा गया है कि देर आर फोर होटल्स इन अ टाउन, ठीक है, एक टाउन में तीन होटल है, ठीक है, इफ थ्री मैन चेक्स इन टू द होटल्स इन अ डे देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ईच चेक्स इन टू अ डिफरेंट होटल, ठीक है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि हर एक जो पर्सन है वो डिफरेंट होटल में चेक इन करेगा, ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। टोटल फोर होटल्स हैं, ठीक है, और तीन लोग हैं, ठीक है, तो कितनी पॉसिबिलिटी है, ठीक है, तो देखिए अगर तीन आपके पास लोग हैं, लेट अस से ए बी सी तीन पर्सन आपके पास है, ठीक है, और होटल आपके पास क्या है एच वन एच टू एच थ्री, ठीक है, फोर होटल्स हैं, एच फोर तक आपके पास होटल है, ठीक है, तो ए के पास कितनी चॉइसेस है, वो आपके पास ए के पास कितनी चॉइसेस है, फोर चॉइसेस है, ठीक है, चार में से कोई भी होटल वो चूज कर सकता है। बी के पास भी चार चॉइसेस है, सी के पास भी चार चॉइसेस है, कब, जब ये ना कहा गया हो कि ईच चेक्स इनटू अ डिफरेंट होटल, ठीक है, अगर ये नहीं कहा गया होता तो टोटल कितनी चॉइसेस आपके पास बनती, ए बी सी के पास फोर रेस्ट बॉर थ्री आपके पास, टोटल सैंपल स्पेस में जो एलिमेंट है वो आपके पास कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस हियर इज फोर रेस्ट बॉर थ्री, और इवेंट आपके पास यहाँ पे कैसे डिसाइड करेंगे कि ईच पर्सन चेक्स इनटू डिफरेंट होटल, ठीक है, अगर आपके पास अब तीन लोग हैं, ठीक है, तीन लोग हैं, तो एक जो ए है उसके पास चार चॉइसेस है होटल के लिए, अब अगर वो उसको बी जो है अगर उसको डिफरेंट होटल में चेक इन करना है तो उसके पास तीन ही पॉसिबिलिटी बचेगी, सी को अगर डिफरेंट में करना है तो उसके पास दो ही पॉसिबिलिटी बचेगी, ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके पास पॉसिबिलिटी बनेगी दैट इज फोर इंटू थ्री इंटू टू, ठीक है, दैट इज 24, ठीक है, तो आपके पास द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द इवेंट वेयर ऑल द पर्सन चेक इन इनटू डिफरेंट होटल्स दैट इज 24, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी आपके पास कितनी होती है, प्रोबेबिलिटी आपके पास कितनी आ जाएगी किसी इवेंट की, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन द इवेंट, ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस टोटल अपॉन नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस या तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है, दैट विल बी 24 ओवर 4 इज टू पावर 3, ठीक है, 4 इज टू पावर 3, तो 24 ओवर 4 इज टू पावर 3 इज 24 ओवर 4 इंटू 4 स्क्वेयर आप कर सकते हैं, ठीक है, 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो 8 आपके पास आ जाएगा, ठीक है, 4 से आप 6 आपके पास आ जाएगा, तो दिस इज 6 ओवर 16, ठीक है, इसको अगर आप 3 से कैंसिल करेंगे, ठीक है, अगर आप इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 3 जा 6 ओवर 2 8 जा 16, ठीक है, तो 3/8 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आपने क्या किया कि कितनी टोटल पॉसिबिलिटी है कि तीन पर्सन चार होटल्स में चेक इन करेंगे, तो टोटल पॉसिबिलिटी होंगी फर्स्ट पर्सन के पास चार चॉइसेस है, सेकंड के पास भी चार है, थर्ड के पास भी चार है, ठीक है, तो टोटल पॉसिबिलिटी अगर कोई भी कंडीशन नहीं गिवन होती तो 4:3 बनती, लेकिन कंडीशन गिवन है कि सारे के सारे पर्सन जो है डिफरेंट होटल में चेक इन करेंगे तो 4:3:2 पॉसिबिलिटीज बनेगी, 24 पॉसिबिलिटी बनेगी, आंसर आपका क्या है 24 ओवर 4:3, आपने कैलकुलेट किया दिस इज इक्वल टू 3/8, ठीक है, तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा दैट विल बी ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपसे क्या पूछा गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 0.83, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपके पास 0.3 गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.6 गिवन है, देन द इवेंट विल बी, ठीक है, दो इवेंट होगा, आपसे पूछा गया है कि जो आपके पास ए और बी इवेंट्स है क्या वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, ठीक है, या वो दोनों डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, इवेंट्स है या डिपेंडेंट है या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ठीक है, अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब होंगे, ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब होंगे, जब उनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, ठीक है, और डिपेंडेंट कब होंगे, जब उनकी जो प्रोबेबिलिटी है इंटरसेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है दो इवेंट्स को, इंडिपेंडेंट आप तब कहते हो जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ध्यान रखिएगा दो इवेंट ए और बी को इंडिपेंडेंट तब कहते हो जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल आ जाए, तो आप क्या करेंगे सिंपली यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से कंपेयर करेंगे क्या वो इक्वल है या नहीं है, अगर वो इक्वल आई तो आपके पास यहाँ पे इंडिपेंडेंट इवेंट हो जाएंगे, अदरवाइज डिपेंडेंट इवेंट्स होंगे, ठीक है,
तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपके पास ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकालेंगे, आपको फॉर्मूला पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितनी गिवन है 0.83, तो व्हाट यू गेट इज 0.83 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 0.3 प्लस 0.6 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसको एक्स मान लीजिए। ठीक है, तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, एक्स आपके पास आ जाएगा 0.3 प्लस 0.6 आपके पास 0.9 आ जाएगा, 0.9 माइनस 0.83। ठीक है, 0.83 तो दिस इज सिंपली 0.07। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू आपके पास 0.07 आ जाएगी। ठीक है, 0.07 तो एक्स का मतलब है आपके पास क्या है, एक्स आपने किसको चूज किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को चूज किया। ठीक है, अब देखिए क्या आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0.07 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल है। ठीक है, ये 0.7 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपके पास कितनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपके पास है 0.3। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपके पास कितनी है 0.6। ठीक है, क्या इक्वल है, 0.7 इक्वल है क्या 0.18 आपके पास आ जाएगा, ये दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए ए और बी जो है इंडिपेंडेंट इवेंट्स नहीं है, ये डिपेंडेंट इवेंट्स होंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो therefore you can say that option C will be correct, ठीक है, option C will be correct, दोनों के दोनों जो है dependent events होंगे, ठीक है, A और B जो है आपके पास dependent events होंगे, तो इस तरह से आप इसको solve कर सकते हैं। Next question देखेंगे, next question आपके पास है, a bag contains 3 white and 5 black balls, ठीक है, एक bag में 3 white और 5 black balls है, one ball is drawn at random, ठीक है, then the probability that it is a white ball, what is the probability that it is a white ball, ठीक है, तो very simple question it is, ठीक है, total 8 balls है, 3 plus 5, 8 balls है, और 3 white ball है, तो simply white ball होने की जो probability है, that is 3/8, ठीक है, बहुत ही simple question है, एक second में होने वाला question है, तो option C इसका correct हो जाएगा, ठीक है, option C आप easily इसको correct कर सकते हैं, clear, next question देखेंगे, simple definition based question है, the difference between the greatest and the least value of the observation is called, ठीक है, greatest और least value of a observation जो होता है उसमें जो difference होता है उसको आप क्या कहते हैं। ठीक है, अगर कोई भी आपके पास distribution given है तो greatest और least value के बीच का जो difference होता है उसको आप हमेशा range कहते हो। ठीक है, range आप उसको कहते हो, तो option D आपका यहाँ पे correct हो जाएगा। ठीक है, this is also a fact based question। next question पूछा गया है, इन अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज इक्वल टू 10, ठीक है, एंड द वेरियंस इज गिवन एज 9, ठीक है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन को म्यू से डिनोट करते हैं और वेरियंस को आप सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं। व्हाट इज द क्वेश्चन आस्क्ड, क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं। ठीक है, आप जानते हैं कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जो म्यू होता है दैट इज एन टाइम्स पी। ठीक है, व्हाट इज पी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, और सिग्मा स्क्वायर जो होता है दैट इज एन टाइम्स पी टाइम्स क्यू। ठीक है, n टाइम्स p टाइम q, और q आपके पास क्या होता है 1 माइनस p, ठीक है, क्योंकि p प्लस q 1 होता है, तो n टाइम्स p माइनस 1 आप इसको कह सकते हैं, तो ये आपका सिग्मा स्क्वायर होगा, तो सिग्मा स्क्वायर यहाँ से कितना आ जाएगा, देखिए n p टाइम्स p माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपके पास म्यू जो है वो 10 गिवन है। ठीक है, तो मीनिंग क्या है कि n p आपके पास 10 है। ठीक है, तो यहाँ पर आप 10 रखते हैं इसकी जगह। ठीक है, और p माइनस 1 ऐसे ही रखिए। सिग्मा स्क्वायर आपके पास कितना गिवन है, सिग्मा स्क्वायर आपके पास 9 गिवन है। ठीक है, 9 गिवन है, तो यहाँ पर 9 रख देंगे। यहाँ से आपको क्या मिला, 9 ओवर 10 इज इक्वल टू पी माइनस 1। ठीक है, तो p आपके पास कितना जाएगा, 1 प्लस 9 बाय 10। ठीक है, p आपके पास 1 प्लस 9 बाय 10 आ जाएगा, तो दिस इज सिंपली 90। तो देखिए सिग्मा स्क्वायर आपके पास क्या होता है, एन पी क्यू। ठीक है, और पी प्लस क्यू अगर 1 होता है तो क्यू आपके पास कितना जाएगा, 1 माइनस पी। तो यहां पर अगर पुट करेंगे तो सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू एन पी टाइम्स 1 माइनस पी। ठीक है, अब एन पी आपके पास म्यू गिवन है, म्यू आपके पास 10 है, तो यहां पर 10 रखेंगे और सिग्मा स्क्वायर की जगह पे 9 रखेंगे, 1 माइनस पी आपके पास आ जाएगा। यहां से अगर आप देखें तो पी आपके पास कितना जाएगा, ठीक है, 1 माइनस पी आपके पास 9 बाय 10 आ जाएगा, और अगर पी देखेंगे तो पी आपके पास 1 माइनस 9 बाय 10 इज इक्वल टू 1 बाय 10 आ जाएगा। ठीक है, p इज इक्वल टू 1 बाय 10 आ जाएगा, और आपको क्या गिवन है, म्यू इज इक्वल टू 10, म्यू किसके इक्वल है, np, np आपके पास 10 गिवन है, p की वैल्यू आपने 1 बाय 10 फाइंड की है। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू 10, तो n इज सिंपली 100। ठीक है, तो नंबर ऑफ ट्रायल्स जो होंगे आपके पास वो 100 होंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ ट्रायल्स जो आपके पास कैलकुलेट करके आएंगे दैट विल बी 100, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर,
व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेरियंस ऑफ द गिवन डेटा, ठीक है, गिवन डेटा में जो वेरियंस आएगी वो कैसे आएगी, ठीक है, वो आपको फाइंड करने के लिए कहा है, ठीक है। तो इस तरह से जब डेटा आपके पास ग्रुप डेटा गिवन होता है तो सबसे पहले जो वेरियंस है उसको कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला होता है सिग्मा स्क्वेयर के लिए, दैट इज समीशन ऑफ एक्स माइनस म्यू स्क्वेयर, ठीक है, एक्स आई माइनस म्यू स्क्वेयर ओवर एन, ठीक है, जितने भी नंबर ऑफ आपके पास रेंडम वेरिएबल्स हो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको म्यू कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। म्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं इस तरह के इवेंट में, म्यू किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, म्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिग्मा एफ आई ओवर सिग्मा एक्स आई कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट करेंगे, क्लियर। तो देखिए मेन कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, मेन इज सिंपली 1 + 3 + 5 + 7 + 9/5, ठीक है। इसको अगर आप देखेंगे तो दिस विल बी 25/5, दिस इज सिंपली 5, तो मीन आपके पास 5 आ जाएगा, क्लियर है। तो मीन आपके पास 5 आ जाएगा। इसी तरह से वेरियंस कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, जितने भी रैंडम वेरिएबल है x1 x2 x3 x4 x5 इनमें से आपको म्यू को माइनस करके मीन को माइनस करके स्क्वेयर करना पड़ेगा और एन से डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखिए 1 3 5 7 9 इस तरह से कर लेंगे, 1 में से जब आप 5 को माइनस करेंगे तो -4 आ जाएगा, ठीक, -4 का स्क्वायर इज 16, ठीक है। तो यहाँ पर 16 आपके पास आएगा, ठीक है। 3 से अगर करेंगे तो 4 आएगा, 5 से अगर 5 को माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, 7 से अगर आप करेंगे तो 7 - 5 = 4 आ जाएगा, ठीक है। अगेन 9 में से अगर 5 को माइनस करेंगे तो 16 आएगा। तो दिस इज आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इज द टेबल फॉर एक्स माइनस म्यू स्क्वेयर, ठीक है। इसका समीशन आपको करना है और एन से डिवाइड आपको करना है, ठीक है। तो ये आपके पास फॉर्मूला है, ठीक है, डिवाइड आपके पास यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, 1/n। तो देखिए आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, दिस इज 16 + 4 + 0 + 4 + 16 / 16, ठीक है, ओवर 5, ठीक है, n इज 5, ठीक है, क्योंकि 5 रैंडम वेरिएबल आपके पास है। तो दिस इज 32 + 8 आपके पास 40 आ जाएगा, 40/5 आपके पास 8 आ जाएगा, ठीक है। तो सिग्मा स्क्वेयर जो आपके पास होगा यहाँ पे वेरियंस जो आ जाएगी दैट विल बी 8, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, वेरियंस आपके कैलकुलेट करके 8 आ जाएगी, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 100 आइटम्स आर 55 एंड दैट ऑफ 150 आइटम्स आर 40 और 6, ठीक है। तो जब आपके पास 100 आइटम्स है, जब आपके पास n 100 है, ठीक है, जब आपके पास n 100 है तो आपके पास क्या गिवन है, इस n को n1 आप कह देंगे। तो आपके पास जो मीन और वेरियंस आपके पास है, मीन आपके पास 50 गिवन है, ठीक है, वेरियंस आपके पास सिग्मा स्क्वायर इज गिवन एज 5, ठीक है, 5 गिवन है। और जब आपके पास n2 है, मतलब आपके पास जब कितने आइटम्स है, जब आपके पास 250 आइटम्स है, ठीक है, 250 जब आइटम्स है आपके पास, ठीक है, 150 जब आइटम्स है, ठीक है, 150 आइटम यहाँ पे कहा गया है। तो आपके पास जो म्यू है, ठीक है, म्यू डैश इसको कह लेंगे, म्यू 1 सिग्मा 1 स्क्वायर कह लीजिए, म्यू 2 जो आपके पास आ जाएगा, आपके पास कहा गया है दैट इज 40, और इसी तरह से सिग्मा 2 जो आपके पास आएगा दैट इज 6, ठीक है। तो ये आपके पास गिवन है, ठीक है, गिवन डेटा। अब आपको क्या करना होगा, टोटल 250 आइटम्स की जो मीन है और वेरियंस है वो आपको कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने के लिए कहा गया है, ठीक है, टोटल 250 आइटम्स की, ठीक है, 100 + 150 = 250। तो इसके लिए आपको कंबाइंड मीन और वेरियंस का जो फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फॉर्मूला है वो पता होना चाहिए, ठीक है। तो जो कंबाइंड फॉर्मूला आपके पास बन जाता है, वो आपके पास फॉर्मूला क्या है कि जो कंबाइंड मीन आपके पास होता है, कंबाइंड मीन का जो फॉर्मूला है दैट इज n1 × x1 + n2 × x2 / n1 + n2, ठीक है। इस तरह से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, x1 और x2 को हमने क्या बोला है, μ1 और μ2 कहा है, ठीक है, तो उनको यहाँ पर पुट करेंगे और n1 और n2 आपके पास गिवन है 100 और 150। वहाँ से आप xc- फाइंड कर लेंगे, ठीक है, xc- आप फाइंड कर लेंगे, ठीक है। और कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन उसके बाद क्या होगी, ठीक है, n1 की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, n2 की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, और σ1² σ2² जो आपने डिनोट किया उसको यहाँ पर रखेंगे। सिंपली आपके पास d1² और d2² यहाँ पर रखना पड़ेगा। d1 आपके पास क्या होगा, जो एक्चुअल मीन थी आपके पास, ठीक है, x1 जिसको आपने μ1 कहा था, μ1 माइनस जो आपने न्यू यहाँ पे कैलकुलेट किया, ठीक है, जो आपने xc- कैलकुलेट किया वो आपके पास d1 हो जाएगा। इसी तरह से d2 आपके पास क्या होगा, जो आपके पास μ2 था दैट माइनस xc- जो आपने न्यू कैलकुलेट किया, कंबाइंड मीन कैलकुलेट किया। तो इस फॉर्मूला अगर आप वैल्यू रखेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन की जो वैल्यू है वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, जो भी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा उसको आप टिक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ रिसर्च सेलेक्ट्स अ प्रोबेबिलिटी सैंपल ऑफ 100
आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन, ठीक है, एक रिसर्च जो है वो सिलेक्ट करती है प्रोबेबिलिटी सैंपल ऑफ 100 आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। इट इज अ एक किस तरह की जो है, ये किस तरह का सैंपल है ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। अगर रिसर्च सिलेक्ट करती है प्रोबेबिलिटी सैंपल ऑफ 100 आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन, देखिए टोटल पॉपुलेशन में से 100 को अगर चूज करें तो दैट इज ऑफकोर्स अ रैंडम सैंपल, ठीक है, एक रैंडम सैंपल होगा, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दिस इज सिंपली फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, थोड़ा सा भी अगर आपने रिसर्च पढ़ा हो तो ये इजिली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इफ द मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन, ठीक है, मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन, इन ऑब्जर्वेशन का आपको मीन गिवन है, ठीक है, मीन इनका 9 गिवन है, द मीन ऑफ द लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन कितना होगा। मीन का मतलब क्या है यहाँ पे, कि आपके पास गिवन है x प्लस 3, ठीक है, प्लस x प्लस 5, ठीक है, x प्लस 7 प्लस x प्लस 10, ठीक है, अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है, देखिए 1 2 3 4 5 अपॉन 5, व्हाट इज दिस गिवन टू, दिस इज इक्वल टू 9, ठीक है। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद आपसे पूछा क्या गया है कि द लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन जो होंगी उनका मीन क्या होगा। लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन कौन सी है, एक्स प्लस 5, एक्स प्लस 7 और एक्स प्लस 10। एक्स की जो वैल्यू यहाँ से आएगी उसको यहाँ पर रख देंगे, ठीक है, उन तीनों वैल्यूज को ऐड कर देंगे और 3 से डिवाइड कर देंगे, तो आपका ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, आपका आंसर यहाँ पे आपको मिल जा रहा होगा। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, जो भी इसका ऑप्शन होगा उसको टिक कर सकते हैं, ठीक है। मेथड क्या है, मीन आप 9 के पुट इक्वल पुट कर देंगे, एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे और सिंपली लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन की जो वैल्यू है वो आप फाइंड कर सकते हो, क्लियर, लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन का मीन आप फाइंड कर सकते हो। थर्टी नाइन्थ क्वेश्चन, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 9, 16, 23, 30, 37, 44, 51, ठीक है, इसकी जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगी वो कितनी होगी ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले म्यू कैलकुलेट करेंगे, म्यू आपको पता है, म्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, 9 प्लस 16 प्लस 23, ठीक है, इन सभी को ऐड करेंगे आपके पास आंसर 51 आ जाएगा, 51 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, तो आपके पास म्यू यहाँ से आ जाएगा। म्यू के बाद आप उसी तरह से टेबल बनाएंगे, 9 16 23 30 37 44 51, और कॉरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है 9 माइनस जो म्यू आएगा अपॉन स्क्वेयर करके जो भी यहाँ पर वैल्यू आएगी, ठीक है। अभी जैसे आपने वेरिएंस कैलकुलेट किया तो वेरिएंस ही सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे, तो वेरिएंस आपके पास कितना आता है, एक्स माइनस म्यू, ठीक है, एक्स आई माइनस म्यू आई स्क्वेयर समीशन ओवर एन, इस तरह से इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो इन सभी को मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे आप, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, डिवाइड करेंगे एन से, 7 से डिवाइड करेंगे तो सिग्मा स्क्वायर आ जाएगा, और उसी का जब आप स्क्वायर रूट लेंगे सिग्मा स्क्वायर का, तो आपके पास सिग्मा आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो दिस इज द प्रोसेस टू सॉल्व दिस, ठीक है, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए इसको आप अगर सॉल्व करेंगे तो आपके पास यहाँ पे 7 आंसर आ जाएगा, ठीक है, 7 इसको सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, 9 ये जो यहाँ पर वैल्यू है 9 में से 7 माइनस करेंगे, ठीक है, 9 में से 7 माइनस करके उसका स्क्वायर करेंगे, क्या आपको कैलकुलेट करना है, एक्स आई माइनस म्यू, ठीक है, एक्स आई माइनस म्यू आपको कैलकुलेट करना होगा, ठीक है, तो सॉरी 7 नहीं 30 आपके पास यहाँ पे कैलकुलेट करके आएगा, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर आपको क्या करना होगा, 9 माइनस 30 आपके पास कितना आ जाएगा, -21, तो माइनस 21 स्क्वेयर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और इसी तरह से 16 माइनस 13 अगर आप करेंगे तो 14 स्क्वेयर आपके पास आ जाएगा, ठीक है, 14 स्क्वेयर आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से जब आप इनको ऐड करेंगे तो आपके पास जो होगा वो कितना आ जाएगा, दैट विल बी 1372, ठीक है, 1372 आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है, 1372, इसका मतलब सिग्मा स्क्वायर आपके पास कितना आ जाएगा, 1372 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स कितने हैं, 7, ठीक है, तो सिग्मा स्क्वायर आपके पास यहाँ से आ जाए कितना आ जाएगा, 7 × 7 करेंगे, ठीक है, अब आपके पास कितना बचता है, 6 बचता है, ठीक है, 7 × 9 = 63, तो 196 आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, इसका मतलब सिग्मा स्क्वेयर जो आपके पास है दैट इज 196, ठीक है, लेकिन सिग्मा स्क्वेयर आपके पास क्या होता है, दिस इज वेरियंस, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास कैसे कैलकुलेट करते हैं आप, सिग्मा स्क्वेयर जो है उसी का स्क्वेयर रूट फाइंड करके, सिग्मा स्क्वेयर 196 है, तो 196 का जो स्क्वेयर रूट है दैट इज 14, ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप इट इज क्लियर। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपके पास क्वेश्चन क्या है, x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 1/2, वेयर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0,
क्या आपको फाइंड करना है द पॉइंट ऑफ द पॉइंट एट विच द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 2x + 3y इज अटेंड एट। ठीक है, एक ऐसा पॉइंट फाइंड करना है जिस पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू अटेन होगी। ठीक है, तो आप देखिए क्या करेंगे, इसको ग्राफिकल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने इसको ज़्यादा ईजी रहेगा, ग्राफ इसके इजिली प्लॉट हो जाएंगे। ठीक है, तो ग्राफ अगर आप इसके प्लॉट करेंगे तो इस तरह के इसके ग्राफ देखेंगे, और ये जो आपके पास रीजन आएगा, देखिए क्योंकि एक्स ग्रेटर देन जीरो और वाई ग्रेटर देन जीरो गिवन है। ठीक है, तो आपके पास ये जो रीजन यहाँ पर आएगा, दिस रीजन विल बी द रिक्वायर्ड रीजन। ठीक है, ये जो रीजन होगा ये आपके पास रिक्वायर्ड रीजन होगा। इस रीजन में जितने भी कॉर्नर पॉइंट्स है वहां पर वैल्यूज चेक कर लेंगे, आप देखेंगे कि इसमें से इसमें से इसमें से और इन चार पॉइंट में से जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो आपके पास इस पॉइंट पर आएगी। ठीक है, इस पॉइंट पर आएगी, ये जो पॉइंट आपके पास है सॉरी इस पॉइंट पर आएगी, और ये जो पॉइंट आपके पास होगा ये 8,10 होगा। ठीक है, 8,10 पर जो होगी मैक्सिमम वैल्यू आपके पास आ जाएगी, और वो वैल्यू कितनी होगी, दैट इज 2 × 8 + 3 × 10। ठीक है, ठीक है, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी, तो दैट इज 10 + 13। ठीक है, टेन प्लस 16 आपके पास आएगा, दैट इज 46। ठीक है, बाकी के जो भी पॉइंट है वहां पर जो वैल्यू होगी वो इससे कम होगी, तो आपके पास 8,10 इसका आंसर आएगा। आपके पास पूछा था कि पॉइंट एट विच मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू इसी पॉइंट पर आ जाएगी। मेथड क्या है कि सारे के सारे लाइन प्लॉट कीजिए और एक बाउंडेड रीजन देखिए जो आपके पास गिवन हो, और सारे के सारे कॉर्नर पॉइंट्स पर वैल्यू चेक कर लीजिए, जिस पर मैक्सिमम वैल्यू हो वो आपका रिक्वायर्ड पॉइंट होता है। तो 8,10 इसका आंसर सिंपली आ जाएगा। ठीक है, तो 8,10 इसका आंसर होगा। क्लियर, माफ कीजिएगा, ये जो ग्राफ था किसी दूसरे क्वेश्चन का था, इसका जो ग्राफ है वो आप x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/2 करके प्लॉट कर सकते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/2 का ग्राफ आपके पास इस तरह से आएगा। ठीक है, और आपके पास क्या कहा गया है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये जो ये वाला रीजन आएगा, दिस इज द रिक्वायर्ड रीजन, और इसके जो कॉर्नर पॉइंट्स है वो आपके पास क्या है, 0,1/2 और 1/2,0। ठीक है, ये दो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट में से एक पॉइंट जिस पर मैक्सिमम वैल्यू है वो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब 0,1/2 पर अगर आप वैल्यू देखेंगे तो दैट विल बी 3/2। ठीक है, दैट विल बी 1.5। ठीक है, अगर 1/2 पर आप वैल्यू देखेंगे तो दैट विल बी 1 + 0। ठीक है, 1 + 0 = 0, तो 1 वैल्यू होगी, मैक्सिमम वैल्यू 1.5 है, और जो वैल्यू आपके पास आई वो 0,1/2 पॉइंट पर आती है, इसलिए आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 0,1/2 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। तो आई होप इट इज क्लियर। इसी के साथ ही आज का जो वीडियो है वो खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो हम आपके लिए लाएंगे, आगे के जितने भी क्वेश्चन इसके हैं उनकी वीडियो आपके पास आएगी, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि आप कॉम्पिटिशन गुरु के स्टडी मटेरियल नोट्स, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, क्लासरूम कोर्सेज, ऑनलाइन लाइव क्लासेस, क्रैश कोर्सेज, रिकॉर्डेड कोर्सेज जो है वो परचेज कर सकते हैं। इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। टिल देन।